जिस इसको मिसल पाव पसंद है ना उसको वीडियो ही काफी पसंद आएगी। तो ये मेरे पास ना आज कप्पा मिसल है, मुझे नहीं पता यार मिसल भी रेडी टू ईट आती है, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे अमेजोन पे मिली तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, मतलब हम बड़े मिसल पाव लवर तो मजा सा आ गया, मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये 57 का आई थिंक पैक मैंने नीचे दिखाया था अमेजोन पे ना, मैंने एक सिंगल नहीं मिली है, तीन का कॉम्बो है सुहाना के है, उनमें कुछ उपमा भी है और एक शायद पोहा भी है, तो वो तीनों ही मैंने मंगवाए थे, तो इस वजह से इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब मेरे को इस वजह से याद नहीं है, पर मैंने आपको डिब्बे पे दिखाया था शायद 57 लिखा हुआ था, है ना, याद है मुझको। ठीक है, तो इसमें ना दो पाउच निकलेंगे, एक मिसल का मसाला है उसको ना बोल में डाल के, मतलब बोल में नहीं इस डब्बे में डाल के और पानी डाल के मिक्स करके इसको 8-10 मिनट के लिए रख दो। दूसरे पैकेट में ना फरसान है, जो हम मिक्सर नमकीन होती है ना टाइप से वैसी है, मिक्सर नमकीन भी बोल में बुरा मान जाएंगे यार वो लोग महाराष्ट्र वाले, तो फरसान ही है ये। ठीक है, फिर इसको 8-10 मिनट मैंने रख दिया कवर करके और ये अच्छे से कुक हो गई, फिर इसमें मैंने फरसान मिला दी और इसको मिक्स करके ना इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा था, मतलब पुणे में मिलती है एक जगह, मेरे को याद नहीं नाम, मेरे को याद नहीं एक शॉप, वहाँ की मिसल भाई बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एकदम स्पाइसी स्पाइसी बड़ी मज़े की लगती है। ठीक है, तो अब इसमें प्याज की कमी थी, वैसे टेस्टी लग रही थी पर मैंने डाली इसमें, मैंने थोड़ा सा अपना तड़का दिया, इसमें प्याज डाली और इसको खाओ, वड़ा पाव से खाते हैं इसको पाव से, पर मेरे पास पाव तो थी नहीं तो मैंने ब्रेड से खा लिया यार, मस्त इन्जॉय करो, बड़ी टेस्टी है, मतलब बहुत टेस्टी है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कप्पा मिसल भी इतनी अच्छी हो सकती है, ऐसी लग नहीं रही कि आप रेडी टू ईट खा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बाहर जाके मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में खा रहे हो, ट्राई करना। और आज की वीडियो को शॉर्ट आउट मीनू को जाता है, अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट कर दो थम्स अप। ठीक है, बाय।